गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैथ्स की क्लास में हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में सीखेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स होता है बच्चों एक प्लेन क्लोज फिगर जो फोर लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे हमने ट्राइंगल्स में सीखा था कि ट्राइंगल्स जो है ना थ्री लाइन सेगमेंट्स की क्लोज फिगर होती है, तो क्वाड्रिलेटरल एक फोर साइड्स की क्लोज फिगर होती है। इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल्स में बच्चों कई सारी चीज़ें आती हैं कि जैसे ट्राइंगल्स में क्या था कि थ्री साइड्स थी, थ्री वर्टेक्स थे एंड फोर थ्री एंगल्स थे। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल्स में क्या रहेंगे बच्चों, फोर साइड फोर वर्टेक्स एंड फोर एंगल्स रहेंगे। एक और मेन चीज़ है बच्चों कि इसके जैसे मान लो बच्चों ट्राइंगल्स ऐसे इस तरह से ट्राइंगल्स थी, तो ट्राइंगल्स के तीन जो एंगल थे उनका जोड़ था 180 डिग्री, जबकि क्वाड्रिलेटरल में फोर एंगल हैं तो बच्चों देखो 90 डिग्री ये 90 ये 90 ही ये और 90 ही ये। इसी तरह 90 फोर जा 360, तो एक क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल्स का जोड़ 360 डिग्री होता है। ये याद रखना बच्चों, वो क्वाड्रिलेटरल आपकी कोई सी भी क्यों ना हो, ठीक है, वो क्वाड्रिलेटरल आपकी स्क्वायर भी हो सकती है, वो क्वाड्रिलेटरल आपकी रेक्टेंगल भी हो सकती है, वो क्वाड्रिलेटरल आपकी पैरेललोग्राम भी हो सकती है, रोम्बस भी हो सकती है और ट्रेपिजम भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, इन सभी की ऑल द सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल्स जो भी फोर साइड्स की जो भी कोई फिगर होगी जिस फोर साइड से क्लोज्ड होगी वो सभी क्या होती हैं बच्चों, क्वाड्रिलेटरल्स होती हैं। अब हमने क्या, सबसे पहले जो स्क्वेयर है, स्क्वेयर में बच्चों ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल एंगल्स भी इक्वल ही होते हैं। इसी तरह फिर रेक्टेंगल की अगर हम बात करते हैं तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। रोम्बस में बच्चों सारी साइड्स जो है ना अपोजिट साइड्स जो है ना एक दूसरे के, सॉरी पैरेललोग्राम की बात करें हम यहाँ पर, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की तरह इक्वल होती है। जैसे रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ए सी ए बी इक्वल है डी सी के और ए डी इक्वल है बी सी के। इसी तरह जो आपकी रोम्बस है, रोम्बस की फोर साइड्स इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, ट्रेपिजम में ओनली अपोजिट साइड्स, सिर्फ जो है ना एक साइड से एक साइड एक पेयर ही पैरेलल होता है, ये पैरेलल नहीं होते इसके। ये बच्चों तो ध्यान रखना, सिर्फ वन ऑफ टू पेयर साइड्स आर पैरेलल इन इज अ ट्रेपिज्म। तो ये आप चलते हैं हम बच्चों एक्सरसाइज की तरफ। ये सब इनकी प्रॉपर्टीज दे रखी है यहाँ पर स्क्वायर में कि ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, रेक्टेंगल में भी ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, अपोजिट का मतलब जैसे यहाँ पर ये एंगल है तो इसका अपोजिट एंगल ये इसके सामने वाला होगा, तो ये एंगल जितने का होगा वो उतने का ही ये होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, रोम्बस में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सेम पैरेललोग्राम की तरह ही इसमें होता है। ट्रेपिज्म में कोई भी एंगल इक्वल नहीं होते। ठीक है बच्चों, आगे एक्सरसाइज पर चलते हैं। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं? यस, स्क्वायर। नेक्स्ट है अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, जिसके चारों एंगल्स राइट एंगल होते हैं, रोम्बस और ट्रेपिज्म के तो होते ही नहीं, स्क्वायर। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स में अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं बच्चों, इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अ क्वाड्रिलेटरल विद ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल इज कॉल्ड, जिसकी सिर्फ केवल एक साइड अपोजिट जो साइड होती है एक ही पेयर जो है ना इक्वल होते हैं बच्चों, पैरेलल होते हैं, वो होती है आपकी ट्रेपिज्म, टी आर ए पी आई जेड यू एम ट्रेपिज्म। अ रोम्बस हैज ऑल द साइड्स इक्वल, रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ये एक प्रकार का स्क्वायर ही होता है बच्चों। ओनली द डैश साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, रेक्टेंगल की जो है ना अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बच्चों, क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल।
ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज, स्क्वायर का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है? यस 90 डिग्री का. सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जोड़ कितना होता है? यस 360 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए रोम्बस एंड ए पैरेललोग्राम. एक रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? देखो बच्चों, ये है आपकी रोम्बस और ये है पैरेललोग्राम. जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक रोम्बस एक स्क्वायर की तरह ही होती है जिसकी चारों साइड से इक्वल होती है, बट इसमें एक ही चीज़ होती है कि इसके अपोज स्क्वायर की मुकाबले इसके अपोजिट एंगल्स जो है ना बच्चों वो इक्वल होते हैं. सिर्फ यही अंतर होता है एक स्क्वायर एक रोम्बस में. तो इस तरह से रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसमें जो डिफरेंस है बच्चों वो मेन डिफरेंस यही है कि रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं जबकि पैरेललोग्राम की केवल अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. क्योंकि बिल्कुल ये तो सेम ही है कि इसके भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसके भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो डिफरेंस क्या है, सिर्फ डिफरेंस एक ही है कि रोम्बस की फोर साइड्स इक्वल होती हैं जबकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बच्चों. ठीक है,